भाई साहब, हमको तो लोन की जरूरत थी 5,000 रुपए की, लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरे 6,000 रुपए का लोन अप्रूव हो चुका है, जिसकी जो डिटेल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 6,000 रुपए का जो लोन है वो पूरे के पूरे 2 महीनों के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पर जो पूरा चार्ज लग रहा है, टोटल फीस जो लग रही है वो 289 रुपए लग रही है। 289 रुपए चार्ज काटने के बाद 5,711 रुपए हमारे बैंक के अंदर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा टोटल यहाँ पर 2 महीनों के अंदर हमारा जो ब्याज लगेगा वो केवल यहाँ पर जो लगेगा वो केवल 360 रुपए लगेगा। अगर आपको 1,000 रुपए से लेकर और 5,000 रुपए तक का लोन चाहिए तो ही आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 5,000 रुपए से ज्यादा का लोन अप्लाई करोगे तो तुरंत के तुरंत यहाँ पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा आपको 5,000 रुपए का ही लोन मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 5,000 रुपए तक का लोन लोगे तो उसके लिए केवल आपको अपना आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है और आपको अपनी एक फोटो देनी है। अगर आप 5,000 रुपए से ज्यादा का लोन अप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये चीजें तो आपको देनी ही पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपका सिविल स्कोर भी चेक किया जाएगा और हो सकता है आपसे यहाँ पर इनकम प्रूफ भी मांग लिया जाए। तो यहाँ पर हमने जो लोन लिया है वो 5,000 रुपए का ही लिया है। अगर आपको भी 5,000 रुपए तक का लोन चाहिए तो इस वाले वीडियो को आप ध्यान से देखना, एक एक चीज समझना, उसी के बाद आप लोन के लिए अप्लाई करना। सबसे पहले तो इस वाले ऐप से आपको लोन अप्लाई करने के लिए इस ऐप को आपको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस ऐप का लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना, या फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐप का नाम बता दूंगा तो डायरेक्ट आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे और सबमिट पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर आप वापस सबमिट करोगे, उसके बाद ये आपसे यहाँ पर आपके लोकेशन की, आपके एसएमएस की और आपके फोन की परमिशन मांगेगा। आप यहाँ पर दोनों चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और एग्री पर क्लिक करके, रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करके जो जो आपसे परमिशन मांगे सभी को आप अलाउ कर देंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट नेम में आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम में आप अपना लास्ट नेम डालेंगे, फादर नेम में आप अपने पिताजी का नाम डालेंगे, ईमेल एड्रेस में आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे, ईमेल आईडी पर आपकी एक लिंक भेज दी जाएगी, उस वाली लिंक पर क्लिक करके आपको आपकी जो मेल है उसको आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, उसके बाद नीचे आपको अपना मेरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप सिंगल हैं या फिर आप शादीशुदा हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आप यहां पर अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी, उसके लिए आप यहां पर डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर आप यहां पर डालोगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। आपके आधार में जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहां पर डालोगे, उसके बाद नेक्स्ट करोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन मांगा जाएगा जो कि डिजी लॉकर का होता है। अगर आपने डिजी लॉकर को पहले कभी यूज में लिया होगा और आपने पिन बना लिया होगा तो वो वाला पिन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके सामने ये वाला स्टेप पहली बार आया है तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी एक नया पिन बना सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आपके कैमरे से आपकी एक फोटो आपको अपलोड कर देनी है, आपकी सेल्फी अपलोड करनी है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर जिनका लोन अप्लाई किया है वो यहाँ पर 6,000 रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हैं। आप देख सकते हो 6,000 रुपए का लोन उनका अप्रूव हो चुका है, जो कि उनको 2 महीनों के लिए दिया जा रहा है। हो सकता है आपका यहाँ पर 6,000 रुपए से ज्यादा का लोन अप्रूव हो जाए, हो सकता है आपका 6,000 रुपए से कम का लोन अप्रूव हो जाए। यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो लोन की डिटेल आपको बताई हुई है। जैसे हमारा 6,000 का लोन है तो यहाँ पर चार्जेस वगैरह काटने के बाद हमारे बैंक के अंदर जो पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है वो किया जा रहा है 5,711 रुपए, और यहाँ पर टोटल हमारी जो फीस लग रही है 6,000 में से वो लग रही है 289 रुपए। इसके अलावा 2 महीनों के लिए टोटल हमारा यहाँ पर जो ब्याज लगेगा, जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 360 रुपए। तो यहाँ पर आप लोन के जो चार्जेज वगैरह हैं, डिटेल वगैरह हैं, आप उसको देखेंगे और उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर एक एम पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से 4 अक्षर का यहाँ पर एक एम पिन सेट कर लेंगे। यहाँ पर जब आप इस वाले पैसे को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करोगे तो आप इसी वाले एंटर एम पिन को डालकर अपने बैंक के अंदर पैसे को ट्रांसफर कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको इस वाले पिन को ध्यान रखना है। अब आपको नीचे सबमिट करना है।
अब आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर तीन लाइन का ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड में, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैंक डिटेल का, और उसमें लिखा हुआ होगा ऐड बैंक का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको जिस भी बैंक के अंदर लोन का पैसा लेना है उस वाले बैंक की डिटेल डालनी होगी। सबसे पहले आप बैंक का IFSC कोड डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर में आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर में वापस अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक के अंदर जो भी आपका नाम है वो डालेंगे, आपका जो बैंक अकाउंट है वो सेविंग है करंट उसको आप सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको अपने पैसे को बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए ऊपर की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसफर योर लिमिट टू योर बैंक अकाउंट। आप यहां पर ट्रांसफर नाउ पर क्लिक करके आपका जो लोन का पैसा है उसको अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो यहां पर स्कैन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप स्कैन पर क्लिक करके किसी भी QR कोड पर आप इस वाले पैसे को भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आपने लाइव प्रूफ देख लिया है कि कितने कम डॉक्यूमेंट में और कितने इजी तरीके से यहाँ पर 5000 रुपए का लोन अप्रूव हो चुका है। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है टैपलैंड इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और लोन के लिए अप्लाई करो। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से या फिर कहीं से भी अगर लोन नहीं मिल रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे फेसबुक का लिंक दे रखा है, आप हमें फेसबुक पर जाकर मैसेज करो, हम वहां पर किसी ना किसी मोबाइल एप्लीकेशन से डेफिनेटली 100% आपका लोन अप्रूव करवा देंगे।